आज मैं आपके साथ चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें ये सारे यमी मसाले जाएंगे जो भी आपने देखे, क्योंकि पापा आ रहे हैं तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा और आपके लिए ये रेसिपी। हाय गाइस, सो आज पापा आए हैं घर पे और मैं उनके लिए लंच बना रही हूँ और मैं चिकन कोरमा बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं आपको रेसिपी समझा दूँ, तो ताकि आप भी बना सकते हैं अगर आपको इच्छा। और काफ़ी समय से आप लोग चिकन कोरमा की रेसिपी पूछ भी रहे थे। तो सबसे पहले मैंने 2 kg चिकन के लिए 8 प्याज लिए हैं और मैंने उनको स्लाइस कर लिया है। और अब ये मैंने हाफ ऑयल और हाफ घी, दोनों का मिक्सचर लेना होता है तभी स्वाद आता है। लगभग 1 से 1.5 कप मैंने जो है वो मिक्सचर रेडी किया है। तो इसको मैं अच्छे से गर्म करके इसमें डाल दूंगी। और आज मैं आपको इंग्रेडिएंट्स एक साथ नहीं बताऊंगी, मैं जैसे जैसे रेसिपी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ, ऑलरेडी मैंने आधा तो किचन गंदा कर दिया है, तो मैं जैसे जैसे साथ साथ में कुकिंग प्रोग्रेस करती जाऊँगी वैसे वैसे आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊँगी। सो ध्यान से देखते रहिएगा, नीचे लिखा हुआ है। सो 8 onions स्लाइस्ड फॉर 2 kg। आप अगर कम बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से उसको डिवाइड कर लीजिएगा। अब ये गर्म हो जाएगा, अनियंस इसमें डाल दूंगी। देखिए मेरे जो अनियंस हैं वो पूरी तरह से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो इतने मैंने निकाल के रख लिए। आज मैं आपको क्विक कोरमा की रेसिपी बता रही हूँ। अगर आपके पास बहुत वक्त है, आपके पास बहुत टाइम है, तो आप ये पूरे चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैं आज मैरिनेशन स्किप कर रही हूँ क्योंकि पापा आ चुके हैं और मुझे खाना जल्दी जल्दी बनाना है। अब मैंने इतने से अनियंस इसमें छोड़ दिए हैं और इसमें मैं ये चिकन सारा डाल दूंगी। ये 2 kg ऑफ बोनलेस चिकन है, इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और अच्छे से धो लिया है। अब मैं ये पूरा चिकन इसमें डाल दूंगी। मेन डिफरेंस ये हो जाता है, पहली चीज़ मैरिनेशन हमेशा सजेस्ट होती है क्योंकि चिकन के अंदर तक फ्लेवर रच जाता है, लेकिन जब आप मैरिनेशन के साथ चिकन को पकाते हो तो उसका पानी सूखने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, मतलब भूनने का टाइम आपका ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने इसी में चिकन डाल दिया है और अब मैं इसे बहुत देर तक अच्छे से भूनूंगी ताकि जो चिकन के पीसेस हैं उनमें से सारी हीक, मतलब एक वो चिकन की कच्ची जो स्मेल होती है वो निकल जाए। सो ये सारे गरम मसाले हमको चाहिए, ये हमें पीस के रखने हैं, लेकिन हम ये पूरा मसाला इसमें नहीं डालेंगे। कितना डालेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है 4 बड़ी इलायची, ये है लगभग 20 के आसपास छोटी इलायची, ये 4 जावित्री के टुकड़े यानी जावित्री के फूल, ये 1 पूरा जायफल, अराउंड आई थिंक दिस इज 10-12 लौंग, और ये मैंने 1-2 इंच का टुकड़ा लिया है दालचीनी का, उसको मैंने छोटा काट लिया है। ये है 2 बड़े चम्मच जीरा, और ये है कुछ अराउंड 40 पेपरकॉर्न्स काली मिर्च, मतलब ये एक एक गिनना 40, लंबा काम दे रही हूँ। इन सब को मैं थोड़ा सा भून के एक साथ पीस लूँगी। काफ़ी लोग इलायची को छील के फिर उसे पीसते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती। मुझे वो जो थोड़े थोड़े जो उसके धागे रेशे रह जाते हैं वो मसाले में पूरी अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं, सो आई डोंट माइंड इट। आपकी चॉइस है, आप पीसना चाहते हैं पीस लीजिए। तो ये करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आगे हमें क्या करना है। जावित्री जायफल को भूनने की जरूरत नहीं है, वो हम नहीं भूनेंगे। पैन एकदम ज्यादा गर्म करके इसे मुश्किल से 5 से 10 सेकंड भूनिएगा, उससे ज्यादा नहीं। ये भून गया, ये थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसे पाउडर बना देंगे। ओके, सो ऑलमोस्ट
यस, देखो पापा कह रहे हैं खुशबू बहुत आ रही है, अब तो हमने शुरुआत ही की है. सो ये ऑलमोस्ट इसका पानी सूखने लग गया है. एक बार क्लोज जाओ. ये आपको समझ में आने लग जाएगा कि चिकन भूनने लग गया है. इस टाइम पे आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे. अब क्योंकि मैंने 2 किलो चिकन डाला है तो मैं 4 चम्मच लहसुन, कंजूसी नहीं है, अच्छे से भर के डालना. पापा भी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, बहुत कमाल की कुकिंग करते हैं ना. बचपन में आज मैं पापा के लिए लच्छा पराठा बनाने वाली हूँ. बचपन में पापा लच्छा पराठा बना के दिया करते थे. और बताओ इतना बड़ा होता था, क्या कहते पापा यहाँ जाते थे. और एक चीज बताऊं बेटा, मैं कुकिंग बहुत अच्छी करता हूँ, पर कैसी कि कुक और क्रोक में क्या फर्क है. कुक में आर साइलेंट है, क्रोक का तो वो वाली कुकिंग मेरी होती है. ठीक है, आप भी आगे श्रीमान. यहाँ पे देखो मैडम, तो ब्लॉग चल रहा है. यहाँ पे क्या है, चिकन कोरमा. चिकन कोरमा की रेसिपी. आई डोंट नो, मैं पीछे से बात कर रहा हूँ, माइक लगा हुआ है, पहली बार डीएसएलआर यूज कर रहा हूँ. साउंड आएगा नहीं आएगा, वरना ऐसा म्यूट कर दूंगा. और ये हमारे लंबू भाई. तो ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और अब हम इसे थोड़ा और भूनने देंगे कि जो मसाले का जो कच्चापन है वो पूरा दूर हो जाए. तब तक हम लोग हमारा ड्राई स्पाइसेस का मिक्स जो है वो पीस लेते हैं. फिर हमको एक और पेस्ट पीस के रेडी करना है, वो भी मैं आपको बता. सो ये मैंने सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए हैं. ये जो रेशे, जैसे मैंने आपको बोला था इलायची के, इससे कोई दिक्कत नहीं होती. जब आप ग्रेवी में डालते हो तो ये पूरे घुल जाते हैं, ये मुंह में ऐसे लगते नहीं है. तो इसलिए आई डोंट माइंड कीपिंग इट. अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप छिलका हटा सकते हैं, पर थोड़ा फ्लेवर ज़्यादा आ जाता है छिलका डालो तो. अब हम ये पीसेंगे. अब अगेन, क्योंकि मैंने 2 किलो चिकन लिया है तो मैंने सब चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा ली है. अगर आप कम ले रहे हैं आप अकॉर्डिंगली अपने मसाले डिवाइड कर दीजिएगा. यहाँ मैंने लिए हैं करीब 20 काजू एंड करीब 40 बादाम. 20 होल काजू, अगर आप टुकड़ा ले रहे हैं तो वो भी 40 हो जाएंगे. एंड लगभग 3 से 4 चम्मच मैंने लिया है कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब कोकोनट का जो भूरा आता है, पाउडर आता है वो. अब ये सब हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे पीसेंगे और वो हम रेडी करके साइड में रख लेंगे. अब आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा चिकन जो है वो ऑयल छोड़ रहा है. ऑलमोस्ट अच्छी तरह से भून चुका है, पूरा नहीं भूना है. तो और कुछ नहीं, हम सिर्फ इसमें अपने पाउडर्ड स्पाइसेस ऐड कर देंगे. ये मैंने लिया है सॉल्ट 4 टीस्पून, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, मतलब 4 छोटा चम्मच. आप भी बनाओगे मेरे नेक्स्ट बर्थडे पे चिकन कोरमा. ओके, ये है कश्मीरी रेड चिली 4 टीस्पून, 4 छोटा चम्मच. नॉर्मल रेड चिली पाउडर 4 टीस्पून. और ये है कोरिएंडर, यानी कि धनिया, पिसे हुए धनिए का पाउडर. वो हमको लेना है 6 टीस्पून. रॉन्ग. ये सारा मैं इसमें अभी डाल दूंगी. ले रही हूं. ये मैं डालूंगी इसमें 6 टीस्पून. क्योंकि मैं 2 kg का बना रही हूं इसलिए आप कम बनाएंगे तो उस हिसाब से डिवाइड कर लेना. 1, नहीं तो बोलोगे दीपिका ने इतना ज्यादा मसाले वाला चिकन बताया. 2, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे. जो फ्लेम है थ्रू आउट वो आप मीडियम, हाई, लो, जैसे भी आपको सही लगता है आप वो प्ले अराउंड कर सकते हो. मैंने ये रेसिपी वर्कआउट इसीलिए की है क्योंकि आप इतने लोग आज भी मुझे मैसेज करते हो बिरयानी के लिए कि थैंक यू, बहुत इजी बिरयानी है ये वो. तो मैंने अपनी तरफ से
ये कोरमा की रेसिपी भी जितना हो सके उतनी इजी क्रैक करने की कोशिश की है। एंड आई रियली होप जितना आपको बिरयानी बना के मज़ा आया उतना ही आपको कोरमा बना के भी मज़ा आया। ओके, तो ये भूनने की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसे हम स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर भूनने देते हैं, क्योंकि देखिए ये देखिए ये ऑयल प्रॉपर अलग हो रहा है, मतलब हमारा जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुका है। ये निशानी होती है कि आपकी ग्रेवी पक चुकी है, ठीक है। और आपका जो चिकन ने जो भी पानी छोड़ा था वो पूरा अच्छे से पक चुका है, तो आपके चिकन में अभी हीक नहीं आएगी। सो जब तक ये स्लो पे थोड़ा और भूनता है तब तक हम लोग अपने प्याज और दही को पीस लेंगे। सो ये मैंने दो कटोरी दही जो है वो लिया है, दो ढाई जितना भी आप चलेगा। सो ये मैंने इसको पीस लिया है। काफी लोग कोरमा में प्याज पूरी तरह से नहीं पीसते, उसे थोड़ा सा खड़ा यानी दरदरा ही पीसते हैं, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सो मैं ये अभी इसमें डाल दूंगी पूरा। इसे हमने ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें ये जो हमने बादाम काजू और कोकोनट पीसा था ये मैं इसमें डाल दूंगी। वाह, कलर देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो इसमें मैंने पीसा दही और वो तली हुई प्याज। सिर्फ? हाँ जी, सिर्फ प्याज तली हुई थी। हाँ जी, सिर्फ प्याज, अदरक लहसुन कुछ भी नहीं। वो मैंने इसमें डाला तो चिकन के साथ। हाँ, तो मैंने जितनी प्याज तली ना उसमें से 3/4 पोर्शन निकाल के प्लेट में रखा, बाकी 1/4 इसमें डाला और चिकन इसी में डाल दिया। फिर वो चिकन का पानी जब 80% तक ड्राई हो जाता है तब अदरक लहसुन, फिर उसको बहुत देर भूनना है। भेजिए फिर पानी। अच्छा, इसका मसाला। हाँ, इसका मसाला डाला और कैशू नट, डेसिकेटेड कोकोनट एंड काजू वो पीस के डाला। अब आई एम आस्किंग, हाँ जी, बिकॉज़ इफ आई वेजिटेबल प्रिपेयर एनी वेजिटेबल, अगर मैं कोई सब्जी बनाऊं इसकी, आई विल गिव यू माय बिरयानी मसाला, आप आज लेके जाना। लेके जाऊंगा मैं इसको ना उसमें कोरमा का तरी बना के बहुत यम लगता है, बहुत यम लगता है। आप इनफैक्ट आप मिक्स वेजिटेबल भी अगर डालोगे ना, थोड़ा पनीर, थोड़ा बीन्स, थोड़ा गाजर, बहुत अच्छा लगता है। मैं पता है आलू पनीर कैसे बनाता हूँ, पनीर भी फ्राई करता हूँ, आलू भी फ्राई करता हूँ। अरे वाह। और फिर ये इसका मसाला बना के प्याज टमाटर का उसमें पीस के पहले उसको हल्का पकाता हूँ प्याज टमाटर। अच्छा, आप पकाने के बाद पीसते हो? हल्का सा पकाने का, फिर पकाते हो तड़के वाला लगा के तेल, फिर उसके अंदर वो डाल के सब कुछ अच्छी तरह उसको घी छुड़वा लेता हूँ। हाँ। फिर उसमें पहले थोड़ा पानी डालता हूँ, उसके साथ आलू डालता हूँ। ओके। और ऐसा टाइमिंग रखता हूँ कि उधर पनीर फ्राई होती रहे और इधर डाल। देखा, मैंने बोला था ना पापा भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। सेहत बताती हूँ। अभी तो पतले हो गए हो बहुत, इस बार सबकी सेहत मैंने। ओके, तो अब हमारा कोरमा ऑलमोस्ट रेडी है, बस हम इसे थोड़ी देर कुक होने देंगे और फिर जितना आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए उतना आप इसमें पानी ऐड करके इसे पका सकते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग इसे पराठे के साथ ही खाएंगे, बट कुक थोड़ी देर कुक करने के बाद फिर मैं डिसाइड करूँगी। तो मिलते हैं। सो आप सब लोगों ने अम्मी के खड़े मसाले का चिकन की रेसिपी देखी, बनाई भी है और बहुत लोगों को पसंद भी आई है। तो ये जो रेसिपी है कोरमा, ये अम्मी की भी बताई हुई है, तो अम्मी ने जो बताया उसको भी मैंने थोड़ा मिक्स किया है, थोड़ा बहुत जो मुझे आता था वो भी मिक्स किया है। तो सब में इसीलिए अभी फाइनल जो अम्मी खा के बताएंगी कि ये कैसी बनी है। हालांकि अम्मी जितना अच्छा नहीं बनता, नहीं, नहीं, लेकिन देखने में भी अच्छा लग रहा है, रंग अच्छा है ना आज। मैं वही बोल रही थी कि आज रंग बड़ा अच्छा है, मुझसे अच्छा सीख जाओ। नहीं 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 नहीं, अम्मी के हाथों के खाने की तो बात कुछ और होती ही है, वो हमेशा रहेगी। अम्मी बहुत अच्छा बनाती है हर खाना, अम्मी तो बस एक चीज बनाती है।
ये अभी गोल नहीं बन रहा है, मतलब ऐसा पचका मेरा कैमरा पे ही होना है ना, क्योंकि घी लगा हुआ है तो वो खिंच रहा है। और इसमें हम अच्छे से घी लगाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा मैंने मलाबार पराठा कैसे बनाया था, उसमें हम स्ट्रिप्स कट करते हैं, इसमें हम स्ट्रिप्स नहीं कट करते, इसमें हम ट्विस्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये मैंने रोल किया, आपका गोल आएगा, मेरा ये वाला गोल नहीं आया है। और बीच में अच्छे से घी लगाना, कंजूसी मत करना। और इसके बाद इसको रोल करके अब ये एक एंड को अपने पाम पे आप जमा लो और फिर आप इसको ट्विस्ट करते जाओ। जितना घी लगेगा उतनी आपकी एक एक परत अलग अलग निकलेगी, इसलिए इसमें जितना हो सके उतना कम सूखा आटा लगाइएगा। और इसके बाद ये हो गया, अब इसको हम बेल देंगे। अरे पापा ने मेरे खाने की तारीफ़ की, बहुत तारीफ़ की, लेकिन एक्चुअली हम लोग माइक लगाना भूल गए एंड मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो जब मैं माइक के बिना वीडियो शूट करती हूँ तो वॉल्यूम नहीं आती, आई डोंट नो व्हाई। सो इसीलिए वो जो हमें इससे पहले वाला जो आपने शॉट देखा वो हमें साइलेंट पे लगाना पड़ा, लेकिन पापा को चिकन बहुत पसंद आया। मेरे दूसरे पापा को भी चिकन बहुत पसंद आया, मेरे दो पापा हैं एंड अम्मी को भी, हम सबको चिकन बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड खूब इन्जॉय किया। एंड यस, मैंने भी चिकन खाया, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि पापा बहुत दिनों बाद लंच पे आए थे एंड ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं उनके साथ बैठ के नहीं खाती तो पापा को भी नहीं अच्छा लगता और मेरा भी मन कर रहा था कि मैं पापा के साथ बैठ के खाऊं। तो ऐसे में मैंने खाया, लेकिन मैंने प्रोपोर्शन पे ध्यान दिया, मैंने आधे पेट से भी कम खाया है। मैंने इतने से चावल लिए थे और इतनी सी ग्रेवी, एक चिकन का पीस लिया था और इतना सा दही लिया था एंड दैट्स इट। अब जैसे कल हम सब लोग बाहर गए थे, आपने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा, हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। अब मैं भूखी नहीं रहूँगी, भूखी रहने से भी नुकसान होगा, इसीलिए मैंने हरा भरा कबाब ऑर्डर किया और मैंने एक कटोरी रायता खाया, मैंने दो कबाब खाए और मैंने दो चम्मच चावल खाए, क्योंकि हम लोग जीरो कार्ब्स नहीं जा सकते। एंड आप लोगों में से कई लोगों ने कुक विद डीकेआई में मेरा पोस्ट देख के बोला हमारी मोटिवेशन खत्म हो गई। क्यों मोटिवेशन खत्म हो गई? आपकी मोटिवेशन आपको भी बनाए रखनी है। अब मैं अगर वहाँ पे फूड ब्लॉगिंग करने के लिए अगर मैं वहाँ पे फोटो डाल रही हूँ तो आप बोलोगे आपकी मोटिवेशन खत्म हो गई। और मैं अगर कुक विद डीकेआई पे कोई फूड रिव्यू डाल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वो भर पेट खाया है। मैं चखने के लिए एक चम्मच खाऊं या यहाँ तक भर के खाऊं, दोनों में बहुत फर्क है। सो आई एम विथ यू गाइज, रिलैक्स। सो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब कल मंडे है, तो मंडे को मैं अपना पूरा डाइट रूटीन बनाने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू बी रियली स्ट्रिक्ट फ्रॉम मंडे, वी ऑल हैव टू बी स्ट्रिक्ट। एंड ट्यूजडे को इंशाल्लाह आई विल अपलोड फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड गाइज, लव यू ऑल।